انه امام لذلك العام وبشرى عاجله لنيل البنيه والمرام. جس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد کی بے شمار برکتیں ہیں, انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ سال بھر تک کے لیے بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. क्या बात है, सुभान अल्लाह. कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले. क्या बात है, सुभान अल्लाह. बेशक ऐसे ऐसे लोगों ने मिलाद की बरकत है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. ये जमीन खुश नसीब, बेशक. ये फर्श खुश नसीब है, ये माई खुश नसीब है, ये स्टेज खुश नसीब है, ये शामियाना किस्मत वाला है, ये लाइटें तकदीर वाली है. अरे जरा सोचो, ये मेरी अकीदत या लफाजी नहीं है. उलमा फरमाते हैं, हदीसों से साबित है कि जहां कहीं जिस जमीन के ऊपर से कोई नमाजी बंदा गुजरता है तो वो जमीन दूसरी जमीनों की तरफ सीना तान के खड़ी होती है और कहती है, सुनो सुनो, आज एक नमाजी बंदा हमारे ऊपर से, एक नमाजी बंदा हमारे ऊपर से गुजरा. हम सब आशिकाने मुस्तफा है कि नहीं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते. आशिकाने रसूल सब है कि नहीं, अरे कि नहीं सब है ना. अच्छा, नमाज कितने पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे. अगर वाकई में सब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में इतनी नेमतें अता करे, इतनी नेमतें अता करे कि आपकी साथ पुश्ते उन नेमतों से निहाल. अगर नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह से दुआ है कि आप नमाजी बन जाए. इसलिए कि याद रखो मेरा जुमला, नोट करना, बेनमाज के, बेगैर नमाज के इश्के मुस्तफा मुकम्मल नहीं और इश्के मुस्तफा के बेगैर नमाज कबूल नहीं. हमारी शान तो ये है कि हम अपने नबी से मोहब्बत भी रखते हैं और नमाज की बरकतों से वाला हम नमाज भी पढ़ते हैं तो इसके रसूल में डूब के पढ़ते हैं, मोहब्बत रसूल में चूर होकर पढ़ते हैं. फिर जो हमारा सजदा होता है, फिर जो हमारा रुकू होता है, फिर जो हमारा कयाम होता है, वो ऐसा वैसा नहीं होता है. हमारे कयाम में फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, हमारे रुकू में फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, हमारे सजदों में फरिश्ते साथ में होते हैं. और जब हम रब से हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करते हैं तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, इस गुनाहगार बंदे को माफ. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. कितनी प्यारी महफिल है सुभान. आशिकाने रसूल की ये किस्मत. शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुनो, ये जमीन की मैं बात कर रहा था ना, लफाजी हम नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हकाई को दलाई की रोशनी में. वक्त नहीं है वरना मैं आपको कुरान और हदीस से मीलाद मुस्तफा सुना देता. अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती इस्लाम हाज आफाक अहमद साहब तुल्ला मुजद्दीदी अलैहि रहमतो व रिज़वान की झूठिया सीधी करने की बरकत है. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निस्बत उनका सदका है कि इंशाअल्लाह हम जो भी बात करेंगे अटकल बच्चू और लफाजी और लतीफे बाजी नहीं होगी. इंशाअल्लाह ईमान और कुरान की रोशनी में इसमें रसूल के सांचे में ढली हुई. बेशक बेशक सुभान अल्लाह. ये जमीन मैंने कहा मुबारक है. बेशक बेशक. शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिन्हें मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता, ये जुमला उलमा समझेंगे. और जिन्हें मैं बता दूं, जिन्हें सुन्नी देवबंदी वहाबी सब मानते, सारे फिरके वाले मानते हैं,
बहुत बड़े मुहद्दिस हिंदुस्तान के जो अब से 400 साल पहले तकरीबन हुए, वो फरमाते हैं कि जिस जगह मीलाद की महफिल होती है, जिस जगह मीलाद की महफिल होती है वहाँ साल भर तक अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। साल भर तक वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। तो जरा अंदाजा करो ये जमीन कितनी खुश नसीब है, कितनी बरकत वाली है, कितनी रहमत वाली है कि यहाँ पर नबी के पाक की मीलाद मनाई जाती है। हम ऐसे वैसे नहीं, अल्लाह का शुक्र है खुदा ने हमें बहुत बड़ा दामन दिया, बहुत बड़ी निस्बत दी है, अपने नबी का इश्क दिया है। बस क्या थोड़ी सी कमी है, जैसे चराग रखा हुआ है प्याले में, तेल भी पड़ा हुआ है।